हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अर्जेंट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीफेट टेबल फिल्टर के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल कवर करेंगे इन सारे टाइप के फिल्टर का, जैसे होता है कि रिपोर्ट का फिल्टर, मैनुअल फिल्टर, लेवल फिल्टर, वैल्यू फिल्टर और डेट फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक फिल्टर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला फिल्टर है रिपोर्ट फिल्टर। तो यहाँ पे मैंने एक पिवट क्रिएट किया है और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे रिपोर्ट फिल्टर। तो अब जब भी पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो आपके राइट साइड में जो पिवट टेबल फील्ड्स है, यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ये है रिपोर्ट फिल्टर। इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर। तो एग्जांपल के लिए मैंने जो पिवट टेबल अभी बनाया है वो बनाया है रीजन वाइज एंड सब कैटेगरी वाइज। अभी हमें फिल्टर अप्लाई करना है रीजन वाइज के ऊपर में। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने रीजन यहाँ रो में डाला है इसको यहाँ से ड्रैग करके हम डाल देंगे ये फिल्टर वाले ऑप्शन में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टॉप में ये रीजन का फिल्टर आ चुका है। अगर इसी फिल्टर में हम जाए ये ड्रॉप डाउन में, तो आपको ये सारा यहाँ पे रीजन जो भी है वो सारा यहाँ पे दिखेगा। और लास्ट में यहाँ पे ये चेकबॉक्स दिख रहा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इन सारे में ये चेकबॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी फिल्टर अप्लाई करना है यहाँ से हम लोग फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ इस, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। तो ये अभी सिर्फ ईस्ट का ही यहाँ पे ये फिल्टर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाकर मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करूँ ईस्ट एंड वेस्ट करके, मैं ओके कर रहा हूँ पहला नंबर, तो यहाँ पे आपको ये जो फिल्टर का आइकन है ये यहाँ पे चेंज हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ फिल्टर अप्लाई है। और यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे मोर देन वन आइटम फिल्टर्ड है। तो जो भी अभी फिल्टर किया हुआ है उसके ऊपर में ये डेटा यहाँ पे सारा पॉपुलेट हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टी टाइप का फिल्टर लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं सेगमेंट का भी फिल्टर लगाऊं, तो सेगमेंट चाहिए और रीजन के नीचे में ऐसे डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पिवट टेबल अपने आप नीचे की तरफ में शिफ्ट होगा। यहाँ पे एक न्यू फिल्टर ऐड हो गया है और इसमें भी आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ से आइकन से देखने से लग रहा है कि यहाँ पे अभी कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं है। ऊपर के आइकन में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई है। मैं सेगमेंट में फिल्टर में जा रहा हूँ, फिर से आपको जाना है यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से जो भी फिल्टर आपको लेना है उसको आप लेंगे करके ओके कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीजन में आपने ये फिल्टर डाला है और सेगमेंट कॉर्पोरेट में जो भी है वो सारा आपको यहाँ पे ऐसे करके दिख रहा है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट फिल्टर को यूज कर सकते हैं। बाकी का फिल्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तक के लिए धन्यवाद।